कैंट थाना क्षेत्र में बुर्का पहनकर एक अज्ञात महिला ने खड़ी कार में आग लगा दी, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि कैंट थाना अंतर्गत अजय श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति ने तहरीर दी कि बुर्का पहने हुए एक महिला ने उनके कार में शुक्रवार को आग लगा दिया। छानबीन करने पर पता चला कि एक महिला अपनी स्कूटी से आई, फिर उसने अपना सलवार कुर्ता बदला और बुर्का पहन लिया। उसके बाद कार के पास आकर कार को आग लगा दिया और वहां से चली गई। आग जलते देख अगल बगल के लोग दौड़कर आए और आग को बुझाया। एसपी सिटी ने कहा कि कल की जुमे की नमाज को देखते हुए इस पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। सर्विलांस व सीसीटीवी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के कैंट थाना अंतर्गत एक अजय श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति ने तहरीर दी कि उनकी गाड़ी को एक महिला ने बुर्का पहने हुए एक महिला ने आग लगाया। छानबीन करने पर पता चला है कि एक महिला अपनी स्कूटी पर सवार होकर कैंट सर्कल पर आके उसने अपना सलवार कुर्ता बदला एवं बुर्का पहना एवं बुर्का पहनने के बाद में वो आई और उसने आग लगाई गाड़ी को। समय रहते आग को बुझा दिया गया, लेकिन जनपद गोरखपुर में कल की नमाज की संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें तत्पर कार्रवाई की जा रही है। सर्विलांस एवं सीसीटीवी कैमराज के आधार पर जल्द ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। इस मामले में कैंट थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं जल्द ही उस महिला की गिरफ्तारी की जाएगी जिसने आग लगाने का प्रयास किया है और इतने संवेदनशील दिन पर इस तरह की घटना कारित की है।